मैच में टीम इंडिया के रणबांकुरों ने कमाल कर दिया। दक्षिण अफ्रीका के साथ टीम इंडिया के गेंदबाजों ने तूफान ही मचा दिया। आलम ये रहा कि दक्षिण अफ्रीका की टीम 250 रन ही नहीं बना पाई। आइए नजर डालते हैं दक्षिण अफ्रीका के 9 विकेटों पर। जब दक्षिण अफ्रीका की टीम 11 रन पर पहुंची थी, तभी अमला चलते बने। बुमराह की तेज गेंदबाजी का वो सामना नहीं कर पाए और आउट हो गए। उन्होंने महज 6 रन बनाए। उसके बाद 24 रन पर स्कोर पहुंचा था और डीकॉक भी आउट होकर पवेलियन में जा बैठे। उन्होंने महज 10 रन बनाए। उसके बाद ड्यूप्लेसिस, टूसन और मिलर भी कुछ ज्यादा नहीं कर पाए। 38, 22 और 31 रन के स्कोर पर आउट होकर चाय पीने लगे। हालांकि मॉरिस ने 42 रन की 34 गेंदों पर ताबड़तोड़ पारी जरूर खेली, लेकिन वो भी आउट होकर पवेलियन ही जा बैठे। और देखते देखते दक्षिण अफ्रीका की टीम 227 रन ही बना पाई 50 ओवर में। अब नजर डालते हैं टीम इंडिया के गेंदबाजों पर। यजवेंद्र चहल ने आज जबरदस्त गेंदबाजी की और 4 लिए। 2-2 विकेट बुमराह और भुवनेश्वर कुमार को मिले और 1 विकेट कुलदीप यादव को। इस तरीके से टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 227 पर आउट कर दिया और 228 रन का लक्ष्य अपने लिए रख लिया। अब टीम इंडिया की इस मैच में जीत पक्की हो गई। टीम इंडिया की गेंदबाजी के बारे में आप क्या समझते हैं? अपनी राय रखिए, साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और हिट बाय स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए।